E2 और E1 में बता चुका हूँ, E2 के अंदर सारे पॉइंट्स दे दिए मैंने, ठीक है ना। E2 के पॉइंट्स कि वन स्टेप मैकेनिज्म था, कोई कार्बोकैटायन बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसके अंदर, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी एल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है एल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, और इसके अलावा E1 के अंदर, और फिर मैंने इसमें बताया होगा कि काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है जब एच को रिप्लेस करते हैं डी से, और एलिमेंट आइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है जब हम लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करते हैं उसके हैवी आइसोटोप से, जैसे Cl को Cl35 से, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके E2 के केस में, दोनों पे दोनों से इफेक्ट पड़ेगा, दोनों से ही रेट चेंज होगा, दोनों से ही रेट अगर हैवियर आइसोटोप से डिक्रीज हम रिप्लेस करते हैं तो दोनों केस में रेट जो है E2 का, दोनों केस में रेट जो है E2 का वो डिक्रीज कर जाएगा, अगर मैं H को रिप्लेस करूँ D से या Cl को रिप्लेस करूँ हैवियर आइसोटोप से, तो रेट जो है E2 का डिक्रीज कर जाएगा। फिर मैंने E1 तो तुम्हें पहले भी बता रखा है बहुत डिटेल, है ना, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन या फिर कोई भी जिसका डिहाइड्रेशन मैंने करा रहा होगा, तो ये मैं काफी डिटेल में ऑलरेडी करा चुका हूँ तुम्हें। अभी मेरे को जो डिटेल लेनी थी वो E1CB का मैकेनिज्म जो है, E1CB इसके क्वेश्चन आएंगे तो टफ पड़ जाएगा, इसलिए ये आना चाहिए क्योंकि E1 हर कोई करता है, E2 भी कर लेते हैं, बस E2 के अंदर मैंने जो तुम्हें एक चीज बताई थी, किसी को याद होगा, E2A इसका मीनिंग क्या था, E2C का मीनिंग क्या था, क्या किसी को याद है ये E2A और E2C? इसके एग्जांपल जिसमें एनायन फॉर्म होता है और कैटायन फॉर्म होता है। हाँ, एनायन कब फॉर्म होगा, जब हम जैसे ये है मान लो CH2H CH2Cl, पहले एच रिमूव हो जाएगा, हाँ जब H रिमूव होगा, पहले H रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन दे करके तो एनायन फॉर्म होगा, और अगर Cl पहले रिमूव हो जाए, CH2H रहे ऐसे ही और Cl रिमूव हो जाए, Cl अगर हट रहा है तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ध्यान रखना कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, कंप्लीटली पॉजिटिव आ जाता तो मैकेनिज्म भी E1 हो जाता, और यहाँ पे पूरा नेगेटिव आ जाता तो मैकेनिज्म वो E1CB हो जाता, तो वो E1CB मैकेनिज्म हो जाता जो अभी हमें पढ़ना है। दोनों एक साथ रिमूव होंगे तो उस केस में मैकेनिज्म जो है, दोनों एक साथ रिमूव होंगे तो मैकेनिज्म कौन सा होगा, E2। अगर H पहले रिमूव हो जाए मैकेनिज्म होगा E2A, और अगर Cl रिमूव हो जाए पहले मैकेनिज्म होगा E2C। इसके एग्जांपल्स मैं लूंगा, अभी तुम्हें बस ध्यान रखना है कि ये मैंने बताया वो, तो नेक्स्ट नोट करना आगे E1CB जो है वो पढ़ेंगे, E1CB इसको ध्यान से करेंगे, फिर E1CB करने के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया था ऐसे ही फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, तीनों को मैं एक साथ ले लूंगा। चलो अब नोट करना है E1CB मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, सही ना, बोर्ड के सिलेबस में नहीं बिल्कुल भी, ध्यान सुनेंगे E1CB मैकेनिज्म, ये इसमें चलो नोट करना है। शरद, यस सर। शरद तू सबसे ज्यादा इरेगुलर है इस समय और इनकी क्लास में, नहीं अटेंड कर ज्यादा अच्छा रहेगा, फायदा नहीं होगा ऐसे कोई भी, जितना तू रेगुलर था स्टार्टिंग में अब उतना ही ज्यादा इरेगुलर हो चुका, नोट करेंगे आगे E1CB। E1CB के अंदर क्या होगा, नाम मैंने बताया हुआ है, अल्फा एलिमिनेशन बाय कंजुगेट बेस, क्या कह रहा मैं, क्या सर, अल्फा एलिमिनेशन कंजुगेट बेस, मैं एक मिनट रुक,
हाँ मैं क्या कर रहा था बोल दोबारा। चलो नोट करना फिर, इवन सीबी मैकेनिज्म सही ना, इवन सीबी मैकेनिज्म एलिमिनेशन कंजुगेट बेस यूनिमोलिकुलर, क्लियर? एलिमिनेशन कंजुगेट बेस यूनिमोलिकुलर। अब इसके अंदर इवन सीबी में क्या होगा ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। एलिमिनेशन कंजुगेट बेस यूनिमोलिकुलर, इसके अंदर एक तो देखो तुम्हें बेस बनाना है, पूरा बेस बनाना है। इसका मतलब क्या चीज बाहर निकलेगी, क्या चीज बाहर निकलेगी बेस बनाना है तो? एच निकलेगा ना बाहर। यस सर। ये उदित, देखो बेस बनाना तो क्या बाहर निकलेगा, सी एच बॉन्ड टूटेगा सही ना, सी एच बॉन्ड टूटेगा। हाँ सी एच बॉन्ड टूटेगा। अब सी एच बॉन्ड अगर मेरे को तोड़ना है, सी एच बॉन्ड तोड़ना है तो देखो सी एच बॉन्ड सोच के देखो, सी एच बॉन्ड पहले टूटे तो क्या ये पॉसिबल है? अगर मान लो ये होता रिएक्टेंट, सी एच बॉन्ड टूट जाए इसके अंदर सी एच टू सी एच टू एच, क्या ये पॉसिबल है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाए? ये तो 1% भी चांस नहीं है ना। यहाँ मेरे को चाहे मैं वो बेस जो है कितना भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, चांसेस कम होंगे कि नहीं? यस सर। पहले तो लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा ना, तो सी एच बॉन्ड तो टूटने के चांसेस क्या है, बहुत ही कम सही ना। सी एच बॉन्ड टूटने के चांसेस क्या है, बहुत कम है। तो ध्यान देंगे जैसे सी एच टू एच, मैं अब इसमें अगर सी एच बॉन्ड को किसी तरीके से वीक कर सकूं, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लो मैंने लिया सी एफ थ्री सी एच सी एल टू, सी एफ थ्री सी एच सी एल टू लिया, मैं कुछ बोला ना तेरे को? तोड़ना है जैसे ये एग्जाम्पल लिया मैंने सी एच टू एच सी एच टू सी एल, अगर मेरे को सी एच बॉन्ड को तोड़ना है तो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग भी डालूंगा तब भी चांसेस कम होंगे इससे टूटने के कि नहीं? Yes, sir. तो इसीलिए ये बोलना है कि स्टार्टिंग वाला जो स्टेप होगा इसका वो बहुत टफ तरीके से होगा। मैं पहले तो लिख रहा हूँ डायरेक्ट सी टू फाइव ओ माइनस ईटीओ माइनस डाला मैंने, इसके अंदर क्या डाला है ईटीओ माइनस, इसको मैं ऊपर से लिख देता हूँ ताकि ना जगह थोड़ी सी मिल जाए। सी एफ थ्री सी एच सी एल टू मैंने लिया जा मुझे इसके एग्जाम्पल, सी एफ थ्री सी एच सी एल टू, तुम्हें समझ आ रहा होगा क्यों लिया एग्जाम्पल ये, इसमें डाला ईटीओ माइनस, ईटीओ माइनस डालेंगे तो क्या मिल जाएगा आंसर क्या आएगा ईटीओ माइनस, वो भी ना एक चीज और प्रूफ करने के लिए, चलो इसमें बाद में बताता हूँ। इसमें ETO माइनस डाला तो मेरे को आंसर मिला CF3 CF2 सॉरी CF2 डबल बॉन्ड CCl2 प्लस ETOH प्लस ETOH। और अगर मैंने बहुत कम अमाउंट में ना बहुत कम अमाउंट में ETOD डाल दिया इसके अंदर, ये अलग से रिएक्शन है, ये अलग से रिएक्शन है ना, जो मैंने रिएक्शन लिख दिया ना वही रिएक्शन है एक्चुअली। तो इसमें ना 1% चांस है कि ये भी मिलता है, 1% चांस है कि ये वाला जो कंपाउंड है CF3CDCl2 ये भी मिलता है, ये भी मिलता है इसमें CDCl2। तो इससे ये इसका प्रूफ है, ये ध्यान रखना IIT के पेपर में 2004 में जब सब्जेक्टिव आया था तो उसमें ये इसका प्रूफ है कि CDCl2 जो है ना CDCl2 बनना जो है ये प्रूफ है कि इस रिएक्शन के अंदर कार्बन आयन बना है, तभी तो D प्लस अटैक कर रहा है माइनस पे, समझे कि नहीं? ये प्रूफ है इसका कि यहां पे कार्बन आयन बना है। तो तुम चाहो तो इस पार्ट को मत दिखाओ, ये वाले पार्ट ये मत दिखाओ, ये मत दिखाओ, समझ गए कि नहीं है? और साथ में एक मॉलिक्यूल और भाग लेगा यहां से Cl Cl2 और F है यहाँ पे CCl2 तो बचा है, F माइनस एक बाहर रखता है प्लस F माइनस सही ना, प्लस F माइनस और बाहर के एक F माइनस और यहाँ पे बाहर रखना, ये ध्यान रखना।
ना, जो एलिमिनेशन रिएक्शन जितनी भी मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें वो सब एंडोथर्मिक होगी या अपना एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब टेम्परेचर हाई है तो ही होगा, मेन कंडीशन है इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस होंगे, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस होंगे। तुम लोग अभी इस चीज को बना करके क्रॉस करना है तो कर देना, ये मैंने क्या बताया, दिस इज द प्रूफ, ड्यूटेरियम एक्सचेंज इज द प्रूफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट इन इवन सी, ड्यूटेरियम एक्सचेंज सही ना, ड्यूटेरियम एक्सचेंज इज द प्रूफ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन इन इवन सी भी मकैनिज्म, सही ना, ये इसका प्रूफ है। अब इसका मकैनिज्म लिख रहे हैं हम, यहां तक कोई डाउट है, किसी को पूछना है कुछ, चलो किसी को कोई डाउट नहीं है, मैकेनिज्म डाउट करें। अब तुम्हें ये दिख रहा है यहाँ पे कि अगर इस रिएक्शन को तुम्हें थोड़ा सा फास्ट करना है और इस मैकेनिज्म को प्रूफ करना है ढंग से कि ये एक्चुअल में है मैकेनिज्म, तो बीटा हाइड्रोजन जो है वो ऐसे कौन, जैसे CH3CH2 मैंने एग्जाम्पल लिया, इसका जानबूझ के एग्जाम्पल ऐसा लिया है ताकि उस मैकेनिज्म को, उस मैकेनिज्म को मैच करे। बीटा हाइड्रोजन जो है जैसे इसकी नेमिंग क्या होगी, ये अल्फा होगा क्योंकि वन ये वन पे तीन बार सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तीन फ्लोरो 1-1-1 ट्राइफ्लोरो 2-2 डाइक्लोरो इथेन, बीटा हाइड्रोजन ये अल्फा तो ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होना चाहिए कि नहीं, बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए कि नहीं, यस सर, बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होगा तो यहाँ पे कार्बन आयन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे जो इवन सीबी को फेवर करेगा, बीटा हाइड्रोजन शुड बी एसिडिक इवन सीबी की कंडीशन। दूसरा जो लिविंग ग्रुप है वो पुअर होना चाहिए कि नहीं, लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए कि नहीं, अगर लिविंग ग्रुप अच्छा होता तो कार्बन कटायन बन जाता कि नहीं, तो लिविंग ग्रुप पुअर कौन कौन से हैं, अब ये दिमाग में बिठा लेना हमेशा के लिए, F आ जाए OH आ जाए, तुम्हें तुमने इनको कभी हटते हुए डायरेक्ट नहीं देखा होगा, अगर OH को हटाना है तो मेरे को उसको प्रोटोनेट करना पड़ता, डायरेक्ट कभी नहीं हटता ये, F आ जाए OH आ जाए OR आ जाए ये कभी डायरेक्ट नहीं हटते, F आ जाए OH आ जाए OR आ जाए, ये तीन मत भूलना बिल्कुल। इसके अलावा भी पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं जैसे NR3+, ये भी बहुत अच्छा लिविंग, OH2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, एक तो O ऊपर से पॉजिटिव चार्ज तो कभी भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता रहता है, सही ना, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, O पे प्लस तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, अलग होगा जल्दी, NR3+ आ जाए या आ जाए SH2+ SR2+ ये अच्छे लिविंग ग्रुप में काउंट, पुअर लिविंग ग्रुप में काउंट होते हैं, लेकिन ये कभी नहीं आएंगे, बहुत रेयर केस में आएंगे, एक मैकेनिज्म बताऊंगा उसके अंदर ही आएगा, अदरवाइज F OH OR ये तीन दिमाग में रखना, ये तीन पुअर लिविंग ग्रुप है, ये आ जाए और बेस जला हो और बीटा हाइड्रोजन एसिडिक हो, ये कंडीशन अगर आ रही है मींस इवन सीबी मैकेनिज्म, मेन कंडीशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन ये मेन कंडीशन है इसकी। अच्छा अब मैं इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, सारे बातें नोट करते रहना, इवन सीबी में क्या आएगा, बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए, कार्बन आयन बन जाना चाहिए, लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए, लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए, कार्बन आयन बने और वो डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग से या पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग से यानी किसी तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो तो कार्बन आयन बनेगा, तो चांसेस ज्यादा होंगे कार्बन आयन बनने के, मैकेनिज्म नोट करेंगे इसका। अब देखो CF3CHCl2 था, CF3CHCl2 मैंने इसके अंदर डाला बेस ETO- डाला तो ये रिएक्शन होगी, मिलेगा CF3C-Cl2 प्लस C2H5OH प्लस ETOH प्लस ETOH ये मिलेगा। अब ये मेरे को पता है कि CH बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है, वो जल्दी टूटेगा नहीं, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है तो C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, CH बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो ये जल्दी हटता नहीं है, जल्दी हटता नहीं है, तो इवन सीबी मैकेनिज्म बहुत कम केसेस में देखने को मिलेगा, फिर भी ये कुछ हट गया, क्यों, क्योंकि सीएल के वेकेंट डीऑर्बिटल्स में सी माइनस चला जाएगा, सीएल के वेकेंट डीऑर्बिटल्स में क्या चला जाएगा, सी माइनस जो है लोन पे चला जाएंगे, ये सबको पता है, नेगेटिव चार्ज जो है सीएल के वेकेंट डीऑर्बिटल्स में स्टेबलाइज होगा वाया डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, इसलिए ऐसा हो जाएगा, ये पहला स्टेप इसका। और रिवर्सिबल क्यों लिखा है मैंने, रिवर्सिबल क्यों लिखा है,
क्योंकि रिवर्सिबल क्यों होगा स्टेप ये, क्योंकि ये आसानी से हट नहीं रहा है, तो इस रिएक्शन के बैकवर्ड जाने के चांसेस क्यों, इस रिएक्शन के बैकवर्ड जाने के चांसेस क्यों, इसलिए स्टेप क्या रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल स्टेप है। अब नेक्स्ट, ये पहले स्टेप तो समझ आ गया, नेक्स्ट स्टेप में अब क्योंकि लिविंग ग्रुप पुअर है, मैंने तो बताया लिविंग ग्रुप पुअर है, सी एफ टू एफ सिंगल बॉन्ड सी माइनस सी एल टू बीटा हाइड्रोजन तो फिर भी हट गया, अब लिविंग ग्रुप पुअर था तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा इधर और तब ये एफ बाहर लेगा, तब ये एफ बाहर लेगा, और ये पुअर था, ध्यान रखना आरडीएस जो है रिएक्शन का कौन सा वाला होगा, ये बन गया सी एफ टू डबल बॉन्ड सी सी एल टू, लिविंग ग्रुप पुअर की बीटा हाइड्रोजन एसिडिक, बीटा हाइड्रोजन को तो एसिडिक फिर भी मैंने बना लिया था, लिविंग ग्रुप जो पुअर है एक मिनट रुकेंगे, वो तो बहुत ही डिफिकल्टी से हटता है, तो इसलिए सेकंड वाला स्टेप स्लो है, पहला स्टेप स्लो नहीं है, सेकंड स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप इज आरडीएस ऑफ द रिएक्शन, सेकंड स्टेप इज आरडीएस ऑफ द रिएक्शन, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। हाँ, अब इसमें जो नीट के पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, चांसेस ज्यादा हैं, वो पूछेगा इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है और इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो उसके लिए अब मैं सेकंड स्टेप को देख करके रेट जो होगा, रेट कौन से स्टेप पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप पे, तो रेट क्या होगा, ये मान लो कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इसका के है, केएफ जो होता है, जो केएफ होता है, के इनटू सीएफ थ्री रिएक्टेंट होगा कि नहीं, केएफ के इनटू सीएफ थ्री इनटू सीसीएल टू नेगेटिव, ये होगा रेट, ये रेट होगा। अब क्योंकि सीएफ थ्री सीसीएल टू जो नेगेटिव है, सीसीएल टू नेगेटिव, वो एक तरह से इस रिएक्शन में भी इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, और मेन रिएक्शन में तो नहीं है ये, मेन रिएक्शन में CF3 CCl2 नेगेटिव नहीं है, ये मेन रिएक्शन, इसीलिए मेरे को इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मेरे को इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ऊपर वाले इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से, जो रिवर्सिबल वाला स्टेप, तब मेरे को एक्चुअल ऑर्डर पता लगेगा। तो KC आया CF3 CCl2 नेगेटिव इनटू इथेनॉल ETOH डिवाइडेड बाय CF3 CCl2 नेगेटिव, एक बार चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, एक कुछ गलती दी मैंने, RDS ये है, ये इस इनटू दिस बेस डाला, नेगेटिव चार्ज आ गया, Cl2 आ गया, इथेनॉल आ गया, नहीं डिवाइड बाय CF3 CHCl2 आएगा ना, CHCl2 into ETO minus, जो बेस है ETO minus base, ये आ गया। अब इस KC जो मैंने निकाला, अब मेरे ऊपर जो है CF3 CCl2 negative है, इसकी वैल्यू ये मैं मार्क कर रहा हूँ सर्कल में, इसकी वैल्यू जो है मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन से, नीचे वाली इक्वेशन से। लेकिन अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनेंगे, इथेनॉल जो है जनरली रिएक्शन में क्या होगा, इसका काम करेगा सॉल्वेंट का, 99.9% है कि इथेनॉल जो है सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट है तो किसमें होगा, एक्सेस होगा कि नहीं, सॉल्वेंट है तो एक्सेस में होगा कि नहीं, और अगर ये एक्सेस में है तो इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट, अगर ये एक्सेस में तो इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट, तो इसको नहीं लेते, ये एक कांस्टेंट है, इसको नहीं लेंगे, इसको हटा रहा हूँ इसलिए मैं, अगर ये सॉल्वेंट एक्सेस सॉल्वेंट नहीं है तो उसको मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया, और अब मैं सी एफ थ्री सी सी एल टू नेगेटिव की वैल्यू पुट करूंगा, सी एफ थ्री सी सी एल टू नेगेटिव दिस इज इक्वल टू के सी into CF3 CHCl2 ETO minus, ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ पर, तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू इधर पुट कर रहा हूँ मैं, तो रेट क्या आ जाएगा, K into KC नया कांस्टेंट into CF3 CHCl2 into ETO minus। अब तुम ये दोनों चेक करो, दोनों के दोनों मेन रिएक्शन में, ये दोनों के दोनों क्या है, मेन रिएक्शन में है, इसमें है ना ये दोनों, तो इसलिए ऑर्डर क्या आ गया, टू, समझ आया कि नहीं, इस रिएक्शन का ऑर्डर टू है। रेट लॉ में जो पावर देखोगे, यहाँ पे वन पावर, यहाँ पे वन पावर, तो ऑर्डर कितना हो गया, वन प्लस वन टू, ऑर्डर टू हो गया। और मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं हम स्लो स्टेप से, स्लो स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, ये वाला स्लो स्टेप जो है मॉलिक्यूलरिटी, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन यानी जो एक स्टेप में होती है, ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हुई है, ये दो स्टेप में गणित है, इवन सी भी क्या है, दो स्टेप में गणित, इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है मेन रिएक्शन के लिए,
मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है आरडीएस के लिए, आरडीएस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 11th बच्चे ध्यान रखेंगे, आरडीएस में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वही मॉलिक्यूलरिटी है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1। ऑर्डर 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 1 इस रिएक्शन का, ये बस ऑर्डर के अंदर एक चेंज आ सकता है। दिस रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर, इसका नाम भी मैं यही बोल रहा हूँ ना, एलिमिनेशन कंजुगेट बेस यूनिमोलिकुलर, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बस ऑर्डर में एक दिक्कत आ सकती है, अगर इथेनॉल सॉल्वेंट नहीं है, जो 0.1% चांस है, अगर इथेनॉल सॉल्वेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, डिवाइड में भी आ जाएगा वो। हाँ तो डिवाइड में आएगा तो ऑर्डर हो जाएगा 1, अगर डिवाइड में आ गया तो ऑर्डर 1 हो जाएगा कि नहीं, 1+1 माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो उस केस में ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। इथेनॉल अगर नीचे आता तो ये 1+1 और ये -1 हो जाता ऊपर जाके, तो ऑर्डर 1 आता उसके, समझ गए कि नहीं। इफ इथेनॉल वुड नॉट इज नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट हियर, इफ इथेनॉल इज नॉट यूज्ड एज अ सॉल्वेंट देन दैट केस ऑर्डर विल बी 1। मैंने समझ आ गया कि नहीं। यस सर। देखो अगर तुमने तीनों मैकेनिज्म, E1 तो मैंने पढ़ा रखा है, उसके क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा अभी, E2 का, E1 का, E1CB का, तीनों मैकेनिज्म अगर ढंग से नहीं लिखे और ढंग से नहीं पढ़े ना तो फिर आगे समझ नहीं आएगा, फिर आगे समझ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखो, तो इस चीज को भूलना नहीं है, सही है। अच्छा अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहां मैंने तुम्हें बता दिया E1CB का मैकेनिज्म, ये टू स्टेप मैकेनिज्म, ये तुम्हें सब पता है कि यूनिमोलिकुलर है, आरडीएस में एक ही मॉलिक्यूल यूज होता है, ऑर्डर इसका 2 है, ऑर्डर इसका 2 है, और रेट लॉ मैंने तुम्हें बता दिया इसके अंदर, इसके अलावा ये टू स्टेप मैकेनिज्म है। अच्छा काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट होगा कि नहीं, काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट होगा कि नहीं बोलो सर, होगा काइनेटिक सर, नहीं बिल्कुल होगा, नहीं क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं सर, वो आरडीएस में अगर मैं एच को, अगर मैं H को रिप्लेस कर दूं D से, H को रिप्लेस कर दूं D से, तो दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, RDS में नहीं है लेकिन RDS में जो मॉलिक्यूल है, RDS में जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना, और रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और RDS में तो नहीं है लेकिन रेट लॉ के अंदर चेक कर एक बार, रेट लॉ में क्या क्या आया, ये दो चीजें आई कि नहीं, समझा कि नहीं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आया कि नहीं ये। यस सर। तो इसलिए क्योंकि ऊपर वाला स्टेप रिवर्सिबल था ना, बीटा हाइड्रोजन इतना एसिडिक नहीं था, तो इस केस में सिर्फ आरडीएस से आंसर नहीं मिल रहा, इसका काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट अंदर प्रेजेंट है। कार्बन आयन देखा ना हमने, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, मैंने यही तो प्रूव दिया यहाँ पे, ड्यूटेरियम एक्सचेंज बाय दिस कंपाउंड इफ ETOD इज यूज्ड इज द प्रूफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, तभी तो ये बना थोड़ा सा, इज द प्रूफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, क्लियर हुआ कि नहीं। Yes, तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट इसके अंदर प्रेजेंट है, सही ना, काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट इसके अंदर प्रेजेंट। चलो नेक्स्ट, अब इसके अंदर ये मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बता दिया, मैकेनिज्म एलिमिनेशन के E1, E2 और E1CB तीनों कवर हो चुके हैं, सही ना, तीनों कवर हो चुके हैं। अब आएगा इनका फैक्टर्स इफेक्टिंग, सही ना, इसका फैक्टर्स इफेक्टिंग आएगा, फैक्टर्स इफेक्टिंग मैं डिटेल में लूंगा, डिटेल में मैं कल लूंगा इसको, फैक्टर्स इफेक्टिंग को अभी मैं तुम्हें ना एक हिंट दे रहा हूँ सिर्फ इसके अंदर, सही ना, एक बार हिंट दूंगा सिर्फ कि क्या क्या हो सकता है इसके। देखो फैक्टर्स इफेक्टिंग चाहे वो E1 की बात करूं, E2 की बात करूं, E1 की बात करें या E2 की बात करें, E1CB भी है, मैं तीनों एक साथ डिस्कस करूंगा, वैसे तीनों को एक साथ डिस्कस करूंगा, E1 को, E2 को और E1CB को, मैं अभी E1 E2 ले रहा हूँ। जैसे फैक्टर्स इफेक्टिंग में क्या क्या आ सकता है, देखो कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो उसमें पहले तो नेचर ऑफ एल्काइल एलाइड आएगा, पहले क्या आएगा एल्काइल एलाइड का क्या नेचर, तो चाहे E1 हो या E2 हो, E1 के अंदर कार्बोकैटायन बन रहा है, E2 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट देख रहे हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी हो या कार्बोकैटायन हो, दोनों के दोनों हाइपरकंजुगेशन से इक्वली अफेक्टेड होते हैं, इक्वली स्टेबलाइज होते हैं, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो इसमें भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आएगा, इसमें भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आएगा, ये यूजुअली ऐसा होगा, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें, कोई डाउट तो नहीं है पहले पॉइंट में, मैं इसको डिटेल में लूंगा, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं अभी सिर्फ,
ईवन हो या ई टू हो, दोनों केस में 3 डिग्री एल्कीन विल बी मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री. 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री. तीनों दोनों के केस क्लियर है कि नहीं? ये नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री जल्दी रिएक्ट करेगा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री. मैंक? यस सर. सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आया लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप में ये लिया मैंने आर आई, आर बी आर, आर सी एल, और इसमें यही होगा कि नहीं? ऑर्डर सेम, आर आई, आर बी आर, आर सी एल. कोई डाउट किसी को? बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है? लिविंग ग्रुप में भी. तीसरा केस बेस, तुम्हें याद है ना बेस कैसा होना चाहिए था? SN1 अगर होता था तो बेस कैसा था? बेस E1 के अंदर क्या होना चाहिए था? पुअर न्यूक्लियोफाइल था SN1 में, तो इसमें पुअर बेस. कुछ ध्यान आ रहा है कि नहीं है? पुअर बेस रेट किस पर डिपेंड करता है? ओनली अपॉन कंसंट्रेशन का रेट. नहीं याद कुछ भी? जो SN1 था वही तो E1 था. समझ आया कि नहीं? यस सर. यस सर. रेट जो क्या आएगा? K into Rx. क्लियर? रेट विल बी K into Rx. और इस केस में रेट क्या था? K into Rx into बेस होगा कि नहीं? तो इसमें गुड बेस होना चाहिए कि नहीं? यस सर. तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर गुड बेस होना चाहिए, इसके अंदर पुअर बेस. इसमें पुअर बेस होना चाहिए गुड, इसमें पुअर बेस. इसमें मैंने लिखा जैसे H2O लेंगे तो न्यूट्रल होंगे, वही पुअर बेस होंगे. H2O जिसको मैंने पुअर न्यूक्लियोफाइल भी बोला था, पुअर बेस भी बोल सकता हूँ. ROH ये क्या है? पुअर बेस. ये पुअर बेस है, सही है? और गुड बेस में ले लो OH- OR- जनरली जो यूज होंगे, OH- OR- NH2-, सही ना? ये क्या है? गुड, दे आर गुड बेस. क्लियर? दे आर गुड बेस. इवन स्ट्रॉन्गर बेस जो होगा ना, जैसे पोटेशियम ट्रिब्यूटॉक्साइड PT3N, ये भी गुड बेस में काउंट होते हैं, ये भी गुड बेस में काउंट होते हैं. सेकंड, फोर्थ पॉइंट, सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? ईवन के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सही ना? ईवन के अंदर क्या होना चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. वाटर यूज करते हैं कि नहीं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे कि नहीं? यस सर. और इसके अंदर क्या यूज करते हैं? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट. ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ये बताऊंगा क्यों कि क्यों इसको मैंने डाउटफुल में बोला. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, चार पॉइंट बता दिए मैंने इसमें. और पांचवा फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर. इसमें भी हाई, इसमें भी हाई, दोनों में टेम्परेचर हाई होना चाहिए कि नहीं? अब जल्दी से बताएंगे एक बार, ईवन और E2 में डिफरेंस करने के लिए कौन सा पॉइंट है जो तुम्हें डिफरेंशिएट कर सकता है ईवन और E2 के अंदर? जल्दी से, जो ईवन E2 में डिफरेंशिएट कर, सॉल्वेंट भी उतना इफेक्ट नहीं करेगा. सॉल्वेंट में डाउट मार्क किया ना, मेन है बेस. तो अगर तुम्हें बेस पता है, बेस स्ट्रॉन्ग है तो E2 होगा, बेस अगर वीक है तो E1 होगा. समझे कि नहीं? मेन फैक्टर थर्ड वाला है. सॉल्वेंट वाला भी बहुत इफेक्ट नहीं डालता इस केस, सही ना? तो ये फैक्टर डिसाइडिंग होता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, मतलब 99% रिएक्शन में यही डिसाइड कर देगा कि E1 होगा कि E2 होगा, सही ना? E1 होगा कि E2 होगा. क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर. यस सर. अब एक चीज मैं और बता रहा हूँ. मान लो E1 है या E2 है, स्पेशली E1 के केस में और SN1 के केस में, देखो यही डिफरेंशिएट हो जाएगा. E1 है कि SN1 है, कौन से फैक्टर से, कौन सा फैक्टर डिसाइडिंग होगा E1 और SN1 के लिए? जल्दी से, कौन सा फैक्टर डिसाइडिंग होगा E1 और SN1? टेम्परेचर. बहुत अच्छे. टेम्परेचर के अलावा ये स्टार्टिंग के चार फैक्टर सेम है कि नहीं अनुराग? यस सर. जहां तुम्हें डेल्टा दिख गया, ध्यान रखना, जहां तुम्हें डेल्टा दिख गया, क्लियर? जहां तुम्हें डेल्टा दिख गया मींस उसका मतलब क्या है?
इवन इवन जहां तुम्हें डेल्टा दिख गया, ये चीज देखना कोई भी रिएक्शन आ गई अगर तुम्हें और ये डेल्टा दिख गया मींस एलिमिनेशन रेट, मींस एलिमिनेशन रिएक्शन है बिना सोचे समझे। इवन के केस में तो पहले चार फैक्टर सेम ही है। SN2 में तो ये वाला फैक्टर चेंज था ना, SN2 में क्या था, 1 डिग्री एल्काइलेट इज मोर रिएक्टिव, ये चेंज था कि नहीं? यस सर। मैं इवन और SN1 में डिफरेंशिएट, यस इवन और SN1 में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, पहला फैक्टर सेम था, पहला फैक्टर पहले चार फैक्टर सेम, सही ना? बस हीट देखते ही एलिमिनेशन मार्क कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना जरूर, सही है?